नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये खबर आ रही है, जहां पर आतंकियों का एनकाउंटर किया गया है। सुरक्षा बलों ने एक से दो आतंकियों को घेरा है। पिछले 12 घंटे में कुलगाम में ये दूसरी मुठभेड़ है। कल कुलगाम में 4 आतंकी ढेर हुए थे। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर आतंकियों का एनकाउंटर किया गया है। सुरक्षा बलों ने एक से दो आतंकियों को घेरा हुआ है। पिछले 12 घंटे में कुलगाम में ये इस तरह की दूसरी मुठभेड़ है। कल भी 4 आतंकियों को ढेर किया था। ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आज की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया जा रहा है। इद्रिस, क्या कुछ जानकारी इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं? सीधे बात करते हैं इद्रिस से। इद्रिस, अभी के अपडेट। जी बिल्कुल हिमानी, अभी जो ये इनकाउंटर है जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग लगातार हो रही है। एक से दो मिलिटेंट्स के होने की खबर है। मैं आपको बता दूं कि कल शाम को ही कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक और इनकाउंटर हुआ था, जिसमें 4 मिलिटेंट्स मारे गए थे और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज का जो है वो चल रहा था। 4 मिलिटेंट्स वहाँ पर मारे गए थे, उनके पास से आर्म्स एंड एम्युनिशन भी रिकवर किया गया था और उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेज को फिर एक बार टिप ऑफ मिला कि कुलगाम के काजीगुंड इलाके में मिलिटेंट्स मौजूद है, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसी दौरान दोनों तरफ से जब कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो फायरिंग भी शुरू हुई और अभी भी ये फायरिंग जो है लगातार चल रही है। एक से दो मिलिटेंट्स अंदर फंसे होने की खबर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है। इद्रिस, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।